महाराजगंज में हुए डबल मर्डर से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महदिया गांव में एक पुजारी और महिला पुजारी की कुछ दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे दोनों की जान चली गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराजगंज का एक पूरा मामला है, जहां पर एक पुजारी और पुजारिन की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों की सूचना के बाद, तो पुलिस ने देखा और पुलिस ने बताया कि किसी भारी चीज से वार करके दोनों की हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी जरूर फैली हुई है। तो महाराजगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर डबल मर्डर से पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि महदिया गांव में पुजारी और महिला पुजारी की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों के ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे दोनों की मौके पर ही जान चली गई। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराजगंज की तस्वीरें, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है, पुजारी और महिला पुजारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस पूरी वारदात के बाद पूरा इलाका दहशत में है। महाराजगंज की तस्वीरें, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक आरोपियों को पता नहीं चल पाया है। लेकिन जब पुलिस ने ग्रामीणों ने पूछताछ की, तो ग्रामीणों की तरफ से कहा गया कि दबंगों ने दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी है। किसी भारी चीज से दोनों के ऊपर वार किया गया, जिससे मौके पर ही दोनों की जान चली गई। थाना परसा मलिक क्षेत्र में गांव है महदेलिया, यहाँ पे एक मंदिर में एक बुजुर्ग रहते थे, लगभग 70 साल एज थी, और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है, बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। एक जो बुजुर्ग हैं वो यहीं गांव के हैं, महदेलिया गांव के ही, और महिला जो हैं वो नेपाल की बताई जा रही हैं, और नेपाल से भी करीब 15-20 साल से वो यहाँ रह रही हैं। उनके परिवार से संपर्क था, वो आते जाते रहते थे। अभी संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हमने पूछताछ के लिए बिठाया है, बाकी अभी पता करके कार्रवाई की जाएगी। तो महाराजगंज का ही पूरा मामला है, जहां पर डबल मर्डर से पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। डबल मर्डर भी पुजारी और वहीं पर रह रही महिला पुजारी का हुआ है, और बताया जा रहा है कि दबंगों ने पीट पीट कर इन्हें मौत के घाट उतारा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस पूरे मामले की छानबीन जरूर की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा हुआ है। हत्या के पीछे की वजह क्या है, क्या कोई रंजिश हो सकती है या फिर चोरी का मामला हो सकता है, इस हर एंगल से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो महिला पुजारी है वो मूल निवासी नेपाल की थी और यहीं पर रह रही थी, और वो घर भी जाया करती थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरा इलाका दहशत में है। मंदिर में घुसकर पुजारी और महिला पुजारिन की हत्या कर दी गई। तो पीट पीट कर हत्या करना बताया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है।